एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। मैंने ऑयल ले लिया है, अनियंस चॉप करके रख लिए, गार्लिक और जिंजर को क्रश करके रख लिया है, और दो मीडियम साइज़ के टमाटोज़ ले लिए हैं, और साथ में डेढ़ जो कप है वो राइस भी मैंने वॉश करके रख लिया है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरा चिकन था वो मैंने नाइट में ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, वही मैं निकाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लीजिए, टना टन यमी यमी सा मैरिनेटेड चिकन है। अभी खाने के लिए तैयार नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। मैंने इसमें जितने भी होल स्पाइसेस, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, क्लोव्स, ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। साथ में दो स्पून राइस स्पून मैंने इसमें कर्ड भी डाल दिया, और मैंने इसको मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला के इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये रात भर अच्छे से मैरिनेट हो जाए और कल यमी यमी सा पुलाव मेरा बन के रेडी हो जाए। एक्चुअली मैं ये इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, वो किसी ऑफिशियल टूर पे हैं, तो आने वाले थे तो नहीं आ पाए वो। ये फ्राइडे का व्लॉग है गाइज, ये फ्राइडे में मैंने ये डिश बनाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसमें अनियंस डाल दिए, ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, और अनियंस भी यहाँ पे देख लीजिए मेरे ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट, और जो गार्लिक है वो भी एकदम रेड रेड हो चुके हैं। तो अब मैं जो इसमें मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड कर दूँगी, और गाइज इसके बाद इस चिकन को हमने अच्छे से भुनना है, जब तक कि वो जो ऑयल है वो ऊपर बेस पे ना फ्लोट करने लगे। और इसे अच्छे से भुनना है, जितना आप में पेशेंस है उतना अच्छा। अगर आप भुनेंगे इसको पेशेंस रख के तो उतना ही ये चिकन टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, और उतना ही पुलाव जो है हमारा वो बहुत बढ़िया बन के निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो टू टमेटोज आपको दिखाए थे वो भी ऐड कर दिए, वो भी साथ साथ इसके पकते रहेंगे चिकन के साथ साथ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मूव करके इसको थोड़ा सा, कि ये धीरे धीरे पकने लग गया है, ऑलमोस्ट डन है, बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि और इसकी जो थोड़ी बहुत कसर भी हो कहीं तो वो भी निकल जाए। और यहाँ जो ये ग्रीन चिलीज़ है वो मैं इसको एंड में, जब मैं राइस इसमें डाल दूँगी ना, तब मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज़ भी ऊपर से ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो चिकन है वो टेंडर हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है, ये देख लीजिए, लैडल से कट रहा है, ये वुडन स्पून से ही कट रहा है, तो इट मीन्स कि इट ऑलमोस्ट डन है, इट्स ऑलमोस्ट डन। देख लीजिए ये जो ऑयल है वो फ्लोट कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये बनके रेडी है। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब मैंने क्या किया, मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने इसको 5 मिनट्स मोर सिम पे कर दिया। मैंने कहा और अच्छे से पकने दो इसको, 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको और सिम पे पकने के लिए रख दिया, और इसे बीच बीच में से स्टर चलाती रही, ताकि मैं देखती रहूं कि इसमें मसाला नीचे से चिपके ना। और अब मैंने इसमें जो धोए हुए राइस थे, मैंने ऑलरेडी धो के रखे थे स्टार्टिंग में ही, वो भी मैंने इसमें डाल दिए, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मैं राइस को हिला रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा हार्डली इसको पुश करूँगी या मिक्स करूँगी तो ये टूट जाएंगे। और देख लीजिए, अब मैंने इसमें वाटर भी ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद जो ग्रीन चिलीज मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने आप इसमें डाल दी है। चलिए अब देखते हैं, देख लीजिए ये यमी यमी सा पुलाव बन रहा है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी कुछ देर, मैं इसको दम पे रखूँगी। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है आपको, जब आप कुकिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि राइस है कितनी देर में दम देने के बाद पक जाते हैं। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे यम्मी यम्मी सा मेरा चिकन पुलाव बनके रेडी है। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ और खा के प्लीज़ टेस्ट करके प्लीज़ बताइए कि कैसा बना है। मैंने टेस्ट किया,
मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने इसको टेस्ट कर लिया है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है और फर्स्ट टाइम में ऑसम बना था। तो ये देख लीजिए मेरी प्लेट। बाय, टेक केयर।